हेलो एवरीवन, सबसे पहले डीपीपी नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सेकंड कंपैरिजन है जो बुक में भी थ्योरी नोट्स में भी गिवन है। थर्ड में पूछ रखा है कि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो इनफाइनाइट होती है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वह डबल कर दिया जाए तो फोर्स बताओ कितना होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो कि फोर्स की वैल्यू होती है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये गिवन है कि दोनों चार्ज को डबल कर दिया और रेडियस को भी, हमने इसकी बीच की डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो जो नया फोर्स होगा वह क्या होगा। K तो कांस्टेंट है ही है, 2Q1 2Q2 डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर। 2 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम टू सेम हमारा इनिशियल फोर्स ही आ जाएगा, मीन्स अनचेंज्ड रहेगी वैल्यू। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रख दिया जाए जिसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वह कितना होगा। तो वह के टाइम रिड्यूस हो जाएगा। लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, इस के की वैल्यू निकाली थी, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाती है, तो लेसर बाय के टाइम्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम इफ ब्रास प्लेट, यानी ब्रास प्लेट को इंसर्ट कर देंगे। ब्रास प्लेट एक मेटल प्लेट है और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट कितनी वैल्यू आएगी, जीरो आएगी। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन के बीच में कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्ट होगा ही नहीं। सेकंड, दोनों का मास होता है तो एक तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक न्यूक्लियर फोर्स भी तो लगेगा ना, जो उसे बाउंड करके रखता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, तो न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उनके बीच, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ, वेक्टोरियल फॉर्म दे रखी है, वेक्टोरियल फॉर्म इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम रिपल्सन कब होगी। एक चार्ज क्यू को डिवाइड किया है, सपोज करो Q1 तो मान लेते हैं स्मॉल क्यू और Q2 मान लेते हैं Q-Q, यानी एक चार्ज को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, स्मॉल क्यू और कैपिटल Q-Q, और हमें ये डिवीजन ही बताना है ये किस हिसाब से हो ताकि उनके बीच मैक्सिमम रिपल्सन हो। तो सबसे पहले तो हम इनमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें कि यहाँ पे क्यू रख दिया, आर डिस्टेंस पे Q-Q रख दिया, तो जो फोर्स आएगा वह के Q-Q डिवाइडेड बाई आर का स्केयर आएगा। अब जब भी हम किसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट आएगा वह वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट करके हम चेक करते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, उस हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल हमारा स्मॉल क्यू है, क्योंकि क्यू कितना होगा, क्यू माइनस क्यू कितना होगा, के और आर तो कांस्टेंट है हमारे इस क्वेश्चन के लिए, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वह स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में होगा। के बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में कैपिटल क्यू इंटू क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर, क्यू से मल्टीप्लाई किया अंदर हमने, तो के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्यू इंटू स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन कैपिटल क्यू माइनस का टू स्मॉल क्यू, ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज क्यू। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर पुट करेंगे। हमने इसको जीरो के बराबर पुट किया, ये तो जीरो कभी हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जीरो होगा, तो कैपिटल क्यू माइनस का टू क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई टू। अब आंसर हमारा एक ही आया है, तो जाहिर सी बात है जो हमसे पूछा गया है वही आंसर होगा। अदरवाइज आप प्रूफ भी कर सकते हो कि मैक्सिमम के लिए आया है या मिनिमम रिपल्सन के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। डबल डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या होगा, के बाई आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, कैपिटल क्यू क्या होगा, जीरो होगा, कॉन्स्टेंट है हमारा, और माइनस का टू क्यों कितना होगा, माइनस का टू आ गया, यानी यह एक नेगेटिव आंसर आया है।
नेगेटिव आंसर कब आता है, जब वैल्यू हमारी मैक्सिमम के लिए हो। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू बाई टू और इसकी भी वैल्यू कैपिटल क्यू बाई टू आएगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, नाइन्थ का डी आंसर राइट है। टेंथ क्वेश्चन कहना चाहता है कि 1 माइक्रो कूलम और 5 माइक्रो कूलम दो चार्ज दे दिए, ये बताओ दोनों के फोर्स का रेशियो बताओ। फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट लगता है, डायरेक्शन अलग अलग होगी, बाकी मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों ही सेम होते हैं ना, तो 1:1 आएगा। 11th क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कहना चाहता है कि एक पार्टिकल के ऊपर एक चार्ज Q1 फोर्स लगा रहा था। Q1 एग्जर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल Q2, यानी इसका एक फोर्स एफ लग रहा था इसके ऊपर। फिर हमने क्या किया, एक और चार्ज पार्टिकल को लाके Q3 को यहाँ पे रख दिया। अब बताओ कि Q1 वाला फोर्स एफ ही रहेगा या एफ से कम ज्यादा हो जाएगा। Q1 के कारण तो एफ फोर्स लगेगा, सपोज करो Q3 के कारण एफ डैश फोर्स लगेगा, तो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट हम ये नहीं कह सकते कि Q1 के कारण जितना फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंज आएगा, चाहे 2 पार्टिकल रखो चाहे 20 पार्टिकल रखो, यह जितना फोर्स पहले लगा रहा था उतना ही बाद में लगाएगा, इसके फोर्स की वैल्यू कभी भी डेविएट मतलब कभी भी चेंज नहीं होगी, इसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसका आंसर एफ ही आएगा। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीडियम उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का रख दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, तो 6 टाइम कम हो जाएगा, एफ बाई 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें डिस्टेंस नहीं गिवन है हमें, इसमें गिवन है कि 2 माइक्रो कूलम और 6 माइक्रो कूलम को एक आर सेपरेशन पे रख दिया, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 12 न्यूटन होगा। K × 2 × 10⁻⁶, 6 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 12 दे दी। अब ये कहना चाहता है कि अगर दोनों चार्ज को चेंज करके उनकी वैल्यू को चेंज करके −2 −2 कर देता तो, यानी यहाँ पर भी −2 माइक्रो कूलम और सेम सेपरेशन के ऊपर −2 माइक्रो कूलम रख देता, अब बताओ नए फोर्स की क्या वैल्यू होगी, एफ की क्या वैल्यू होगी। एफ की वैल्यू होगी K × 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू आ गई। गिवन इन्फॉर्मेशन से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, मीन्स K × 2 × 10⁻⁶, 6 × 10⁻⁶ और मल्टीप्लाई में आर स्केयर ऊपर चला जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे, तो आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, −6 ये डबल −6 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आ गया, तो यानी एफ बाई 12 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 1/3 आ जाएगी, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका अगर शॉर्टकट में आप याद रखना चाहो, जो फोर्स होता है वह चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हम इसमें न तो मीडियम चेंज करें तो के कांस्टेंट रहेगा, न सेपरेशन चेंज करें तो आर स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। पहले मल्टीप्लाई 2 × 6 = 12 थी, अब की बार मल्टीप्लाई 4 है, तो 12 के लिए 12 आंसर है, तो 4 के लिए 4 आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अपने अपने तरीके होते हैं डायरेक्टली सॉल्व करने के। नेक्स्ट है 0 पे 2 पे 4 पे और 8 पे, एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट दे दिए और चारों जगह 2 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया, 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, तो 4 वाले पे लगने, x = 2 वाले पे कितना फोर्स लगेगा, यानी इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा उतना ही ये इसको रिपेल कर देगा, डिस्टेंस सेम है, दोनों चार्जेज की वैल्यू सेम है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएंगे, तो नेट फोर्स के लिए इसका इफेक्ट तो इसने कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 8 सेंटीमीटर पर रखे जाने वाला पार्टिकल,
यानी फोर वाला पार्टिकल इस जीरो वाले पार्टिकल के फोर्स का इफेक्ट कैंसिल कर देगा, तो ये तो दोनों आपस में कट गए। सिर्फ और सिर्फ एक तो ये, इसके ऊपर तो हमें फोर्स निकालना है, और 8 सेंटीमीटर वाला हमारे पास पार्टिकल बचा हुआ है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्केयर, 6 का स्केयर 36 × 10⁻⁴ आ जाएगी। तो 6 × 6 = 12, 9 × 4 = 13, पहले इसको कट कर लेते हैं, 2 से 2 = 4 कैंसिल हो गया, यानी पॉजिटिव 13 है, नेगेटिव 12 है, तो 1 बच जाएगी फोर्स की, यानी 10 N आ जाएगा। जब ये हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना, तो वैल्यू का स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप से अरेंज किए हुए होते हैं जिनके अंदर सिली मिस्टेक होते हैं, हमारा ऑप्शन तो मैच हो जाता है बट वह आंसर हमारा गलत ही होता है। जैसे इसमें अगर एक 6 पुट किया हुआ होता तो यहाँ पर 60 आंसर आता, और हमारा ए ऑप्शन भी 60 है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखना इसमें। 15th question, दो आइडेंटिकल मेटालिक स्पीयर है, 10 और -20 से चार्ज किए गए हैं। इस पे 10 μC चार्ज है, 10 यूनिट ही दे रखा है, माइक्रो की कोई टेंशन ही नहीं है, और इसके ऊपर माइनस का 20 यूनिट चार्ज है। दोनों को कोई सेपरेशन पे रख दिए आर पे, इनके बीच कितना फोर्स लगा, K × 10 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 K / r² आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में ये गिवन है कि अगर इन चार्ज पार्टिकल को मिला दिया जाए, आइडेंटिकल है, टोटल चार्ज कितना होगा, +10 और -20 कितना होगा, माइनस का 10 बचेगा जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो फर्स्ट के ऊपर -5 यूनिट चार्ज आएगा, सेकेंड पर भी -5 यूनिट चार्ज आएगा। अब हमारा जो नया फोर्स होगा वह K × Q1 Q2 5 × 5 = 25 K / r² आएगा। ये सेकंड हो गई इक्वेशन। अब इन दोनों का रेशियो बताना है हमें, रेशियो ऑफ द फोर्स इन द टू सिचुएशन, दोनों सिचुएशन का रेशियो बताओ कितना होगा। F/F' कितना होगा, 200 K / r², इसको रेसिप्रोकल में करें तो ये पलट जाएगी टर्म, 25 K / r² से r के कैंसिल, k से k कैंसिल, ये 8 आ जाएगा, यानी 8:1 हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें आप देखोगे तो -8:1 दिया हुआ है, इसमें इतना कहना है कि पहले तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, अब इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो इसलिए माइनस आएगा इसमें, इसका आंसर जो आएगा वह नेगेटिव रेशियो में आएगा, मैग्नीट्यूड का रेशियो नहीं पूछा इसमें। 16 है कि 2 सेंटीमीटर ओरिजिनल डिस्टेंस 8 थी, 8 से घटाकर 2 कर दी गई, यानी 4 गुना कम कर दी ना हमने डिस्टेंस, और डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर डिस्टेंस 4 गुना कम हुई तो फोर्स की वैल्यू 16 times ज़्यादा हो जाएगी, तो 16 गुना ज़्यादा आ जाएगी, सी ऑप्शन राइट होगा इसका। 17 में दे रखा है 2 equal and like चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं इतने फोर्स से, डिस्टेंस दे रखी है, मैग्नीट्यूड पूछा है, मीन्स 0.144 = 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 25 × 10⁻⁴, तो क्यों की वैल्यू निकालनी है ये निकल जाएगी। यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लास्ट क्लास में लिखवाया भी गया था। फोर्स बिटवीन टू चार्ज एंड प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ एयर एंड केरोसिन इज 25 N and 5 N। सबसे पहले एक बात देखो कि अगर वैक्यूम में या फिर एयर में रखा जाए तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, K³ Q2 / r² होगी। जब इसी को किसी मीडियम में रख दिया जाए तो हम क्या करते हैं, K तो कांस्टेंट होता ही है हमारा, Q1 Q2 / डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K × r² होता है ना,
तो ये एयर वाला दे रखा है, एयर के अंदर 25 लग रहा है, इसके अंदर 5 लग रहा है, यानी 5 गुना कम हो गया ना फोर्स। डायरेक्ट समझो इस बात को, अदरवाइज तो आप रेशियो लेके डिवाइड भी कर सकते हैं, सारा कट जाएगा, 1/k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस टाइप से जो भी कैलकुलेशन बनती है आपकी, के इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, सॉरी। तो आप ये देखो कि फोर्स आपका 5 गुना कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो सेम है ना, इसका मतलब k की वैल्यू 5 है, तभी तो 5 गुना कम कर रहा है। और वैसे भी एक दो एग्जांपल में हमने पढ़ रखा है k की वैल्यू जितनी होगी उतने टाइम्स कम कर देता है, तो कितने टाइम्स कम किया, 5 गुना कम किया, तो हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। थ्री चार्ज ईच ऑफ 5 माइक्रो कूलम, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सेंटर के ऊपर रख दिया जाएगा तो सेंटर के ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लगता। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जब टॉपिक करें तब भी हम पढ़ लें कि किसी भी एक रेगुलर शेप की अगर कोई हमें चाहे ट्रायंगल दे दी जाए, चाहे हमें एक स्क्वायर दे दिया जाए, या रेगुलर पेंटागन हेक्सागन दे दिया जाए, उनके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो फोर्स भी वहाँ पर नहीं लगता। तो ये खैर बाद की भी बात है, बट आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, डिस्टेंस वाइज वेक्टोरियल सम करोगे तो आंसर आपका जीरो ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीन चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के तीन कॉर्नर पे रख दिए, फोर्स एक्टिंग बिटवीन Q1 Q2 इज F12, F13 इज F13। ये ए साइड का हमने एक स्क्वायर रिज्यूम कर लिया, Q1 Q2 और Q3, 1-2 और 1-3 के बीच का फोर्स हमारा, यानी 1 और 2 का फोर्स ये मानो F12, 1 और 3 का फोर्स आप ये मानो F13। हमें इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है। अगर ये साइड A है तो ये साइड कितनी हो जाएगी, डायगोनल इसका √2a हो जाएगा। तो सबसे पहले हम F12 कैलकुलेट कर लेते हैं, F12 का मैग्नीट्यूड, F12 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर। F13 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, कि Q1 Q3 डिवाइडेड बाय √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। अब तीनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के दे रखे हैं, यानी 1-2, 1-3 का मतलब सेम ही है, क्यों मान लो सबको। जब आप इनका रेशियो निकालो 1/2, यही रेशियो पूछा है, 1-2 डिवाइडेड बाय 1-3 का रेशियो, तो ये सारी चीज़ें तो कट जाएंगी, तो रेशियो आ जाएगा 2/1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगी ना स्टेटमेंट, तो हमारा 2:1 इसका रेशियो आ जाएगा। तो यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा, इसका डिवीजन 2 आ जाएगा। ये तो थी हमारी DPP। अब DPP के बाद एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, वह बोर्ड के लिए कम इम्पोर्टेंट, अदर और जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जेई मेंस मानो चाहे नीट मानो, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो हो तो वह चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। जैसे हमने सेकंड लास्ट DPP का जो क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि तीनों के तीनों इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो हुई, तो मतलब उस ट्रायंगल के लिए वह सेंटर पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर नेट रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो उस कंडीशन में उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि वह इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। अब इक्विलिब्रियम हमारे तीन टाइप के होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों को डिफाइन करने से पहले आपको एक जनरल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं कि जैसे एक बिल्कुल सिंपल एक प्लेन सरफेस, या मानो आप घर का एक फर्श हो गया, किसी भी एक प्लेन सरफेस पे हमने एक बॉल को रख दिया,
एक हमने हेमिस्फेरिकल कटोरी के अंदर एक बॉल को रख दिया, यहां पर बॉल को रख दिया, एक हमने इसी हेमिस्फेरिकल कटोरी को उल्टा करके यहां पर बॉल रख दी, तीनों के तीनों रेस्ट पोजीशन में है, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन है हमारी, बट फर्क इतना है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करूं यहां लेकर जाऊं तो ये यहां क्या यहीं रुक जाएगा ना, मतलब इनिशियल पोजीशन इसकी यहां पे थी बॉल की, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके मैं यहां पे रख देता हूं तो न तो ये वापस आएगा न और आगे जाएगा, यहां का यहीं रुक जाएगा, दूसरी जगह जाकर स्टेबल हो जाएगा, यानी पहले इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, बाद में इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बन जाएगी। बट सेकंड केस में देखो आप, सेकंड केस में इस बॉल को अगर मैं थोड़ा सा यहां पे ले जाके छोड़ता हूं तो क्या करेगी, यह बॉल वापस आएगी और करते करते धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे वापस आके रुक जाएगी, या इस बॉल को अगर मैं इस साइड लेके जाके छोड़ूं तो भी तो यही कंडीशन होगी ना, धीरे धीरे घूम के वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, यानी इसके साथ अगर थोड़ी बहुत छेड़खानी की तो इसने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं सेट कर ली, बट इस केस में अगर थोड़ी बहुत छेड़खानी करेंगे तो क्या होगा, वह वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। अब थर्ड केस में देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा ही डिस्प्लेस कर दूं यहाँ पे कर दूं तो क्या ये यहाँ पे रुकी रहेगी या वापस आएगी, दोनों ही कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी, यह नीचे गिर जाएगी, यानी यह अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को खो देगी। ये केस वो केस है जिसमें नई इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन नई हो जाएगी, इस केस में सेम रहेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस केस में इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं बनेगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को इस कंडीशन को खो देगा वह। तो यही तीन बातें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें अगर किसी पार्टिकल को थोड़ा वो डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वापस वह अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, वह उसकी स्टेबिलिटी थी वहीं पे स्टेबल इक्विलिब्रियम वापस बना लेगा, जो हमने सेकंड केस में देखा इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया लेकिन वह आएगा अपनी वही पुरानी जगह, तो वो होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर किसी पार्टिकल को उसकी जगह से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया जाए तो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही खो देगा, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगा, जो हमारा थर्ड केस था कि पार्टिकल को थोड़ा सा खो दिया, आगे डिस्प्लेस कर दिया या पीछे डिस्प्लेस कर दिया, या पार्टिकल अपने आप बाहर चला जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन खो देगा, तो वो हमारा है सेकेंड केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड पढ़ा था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल न्यूट्रल है, जहाँ रखोगे वहीं पड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे था ये थी, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया आगे जाके रुक गया, थोड़ा सा और कर देते तो और आगे जाके रुक जाता, तो ये हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस है। तो हमारे क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे कि इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होगा ये हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हमें थोड़ा बहुत दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अंदर मूवमेंट कराएं कि हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिले, कहाँ पर हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये सारी की सारी कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम की थ्योरी तो सिर्फ इतनी है कि इसके डेफिनेशन क्या है, तीन टाइप है, तीनों टाइप का मतलब क्या है, वो तीनों टाइप के मतलब है। जैसे एग्जांपल करते हैं इसका, यहां पे एक 2 माइक्रो कूलम रख दिया चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर 8 माइक्रो कूलम रख दिया चार्ज पार्टिकल, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसमें फाइंड करो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो कहाँ पर होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को कहीं रख कर देखेंगे, सपोज हमें ए के लेफ्ट साइड में एक चार्ज पार्टिकल को रख के देखता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, किसी भी वैल्यू पॉजिटिव क्यू का रख दिया, इस पॉइंट के ऊपर क्यू के ऊपर अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हुई तो हम मान लेंगे यही इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अदरवाइज थोड़ा सा और आगे वाली कंडीशन में चलेंगे या फिर यहाँ पे नहीं बात बनी तो इस साइड से लेंगे। कंडीशन तो हमारे पास तीन ही है ना, ए के लेफ्ट में या बी के राइट में या दोनों के बीच में, तीन कंडीशन हमारी बन रही है, तीनों पे देखें कहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रखा, ये भी पॉजिटिव है ना,
तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कंडीशन यहाँ पर इक्विलिब्रियम की नहीं बनेगी, यानी इस साइड इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं मिलने वाली, गलत बात थी। अब बी के राइट में देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव रखूँ तो ये भी रिपेल करेगा और वो भी रिपेल करेगा, यानी सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं ना दोनों फोर्स, और दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगे तो कभी भी रिजल्टेंट उनका जीरो नहीं होगा, तो इस साइड भी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। आप पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव भी रख के देख सकते हो, नेगेटिव क्या करेगा, दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे तो सेम डायरेक्शन का वह फोर्स हो गया। अब न तो ए के लेफ्ट में न बी के राइट में, हम बीच में कहीं चार्ज पार्टिकल को सी पॉइंट पे रख के देख लेते हैं कि क्यों चार्ज पार्टिकल रख दिया। ये डिस्टेंस एक्स मान ली और दोनों के बीच की प्रीवियस डिस्टेंस हमें दे रखी थी 16 सेंटीमीटर। अब एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमने क्यों चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो इस साइड बची हुई डिस्टेंस क्या आ रही, 16 माइनस एक्स बच गई ना, तो ये रख दी। सबसे पहले फोर्स निकालें, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, आई जे के की बात नहीं करेंगे, हमें सिंपल सा बात पता है कि यह इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए तो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, तो आई जे की फॉर्म में यानी वेक्टर की फॉर्म में हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात चलेगी, हमें इक्वल पुट करना है, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो के इंटू क्यू वन कितना है हमारा, टू इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स, क्यू टू हमारा क्यू मान लिया, डिवाइडेड बाय आर स्केयर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स स्केयर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कितना होगा, के इंटू एट इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स, ये माइक्रो कूलम है तो माइनस सिक्स पावर आएगी, क्यों डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। दोनों के दोनों फोर्स इक्वल है तो दोनों को बराबर पुट करेंगे, यानी ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को अगर बराबर पुट करें तो के इंटू टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू के इंटू एट इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, माइनस सिक्स पावर से माइनस सिक्स पावर कैंसिल, टू से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4 बाई 16 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। तो स्क्वेयर की फॉर्म में चले, इससे बढ़िया इसका रूट ही कर लेते हैं, प्लस माइनस की तो बात ही नहीं रहेगी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों को बराबर पुट कर लिया, तो एक्स की वैल्यू जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही आएगी, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 16 इज इक्वल टू 3x आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 बाई 3 सेंटीमीटर आ गई। तो इस टाइप से हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। सेम टू सेम अगर यही कंडीशन ये दे दी जाए कि यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है और 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे माइनस 8 माइक्रो कूलम का चार्ज रख रखा है, तो अब बताओ कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। जैसे इस केस में तो दोनों पॉजिटिव थे तो बीच में आया, यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो दोनों अगर अनलाइक चार्ज है तो बीच में तो नहीं आएगा, लेफ्ट या राइट आएगा, क्योंकि बीच में एक चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव को रख के देखो, पॉजिटिव पे पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, सेम साइड का फोर्स है, अगर नेगेटिव होता तो इस साइड का फोर्स आता, नेट फोर्स हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमारे क्यू चार्ज को लेफ्ट में रख के देखेंगे और राइट में रख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट में रख के देखते हैं कि मैं अगर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल Q को रख दूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों के दोनों फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कंडीशन हमारी बन सकती है इक्विलिब्रियम की। इस साइड अगर मैं रख के देखूँ पॉजिटिव को तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो कंडीशन तो यहाँ पे भी बन सकती है, तो हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे। ए के लिए ये डिस्टेंस कम है और बी के लिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इस कंडीशन में देखूँ
तो बी के लिए ये डिस्टेंस कम है इस पॉइंट के, लेकिन ए के लिए ज़्यादा है। अब आप मैग्नीट्यूड वाइज खुद सोचो कि अगर मैं ये पॉइंट लेता तो एक तो ये चार्ज छोटा है, ऊपर से डिस्टेंस ज़्यादा है, एक ये चार्ज बड़ा है, ऊपर से डिस्टेंस छोटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही इससे ज़्यादा रहेगा ना, तो इस साइड तो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। खुद सोच के देखो, एक तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ऊपर से इसके कंपेयर में चार्ज भी छोटा है, तो फोर्स की वैल्यू तो और भी कम हो जाएगी ना। अगर फोर्स हमारा और ज़्यादा कम होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कभी भी सेट नहीं हो पाएगी इस डायरेक्शन में। तो आप ध्यान रखना, अगर लाइक चार्ज हुए तो इन बिटवीन होगी हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर अनलाइक चार्ज हुए तो जो छोटा चार्ज पार्टिकल होगा ना उसकी साइड में इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। अगर वेक्टर की फॉर्म में चलें तो हम डायरेक्ट अपने अननोन पॉइंट से मान सकते हैं, इसका भी सी पॉइंट भी हम बाहर ले सकते थे, लेफ्ट राइट कहीं पे भी ले लो, अपने आप कंडीशन बन जाएगी। अगर मैं ये पॉइंट इस साइड लेता तो मेरा आंसर माइनस आ जाता, -16.3, तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। हम अपनी जनरल थिंकिंग के अकॉर्डिंग डायरेक्ट पॉइंट सेट कर लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का हम लफड़ा ही लेके नहीं चल रहे। तो खुद सोचेंगे कि अगर अनलाइक चार्ज हुए तो छोटे वाली साइड में हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, तो एक्स डिस्टेंस पे हमने क्यू चार्ज रख दिया। अब इन 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 दोनों का फोर्स कितना होगा, के इंटू 2×10⁻⁶ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का स्केयर। इन दोनों का फोर्स कितना होगा, के इंटू 8×10⁻⁶ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 16+x का होल स्केयर। दोनों को बराबर पुट कर देंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं ये हमारे, एक्स स्केयर तो नहीं कटेगा, के क्यू से के क्यू कैंसिल, -6 से -6 कैंसिल, 2 से ये 4 आ जाएगा, तो कंडीशन हमारी वही बनेगी, यहाँ पर प्लस आएगा, 1x² = 4/16+x² और सेम टू सेम हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम इस टाइप से कैलकुलेशन करके चलेंगे। यहाँ तक हमारा बोर्ड लेवल ख़त्म होता है इक्विलिब्रियम का। अब आ रही आती है कंपटीशन की। कंपटीशन के अंदर यही क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाएगा कि 2 μC है, 8 μC है, ये सपोज करो इस टाइप से हमें ग्राफ दे दिया जाएगा, ये एक्स है ये वाई है, यानी दोनों चार्ज एक्स एक्सिस पे रखे गए हैं। ये चार्ज ओरिजिन बता दिया जाएगा आपको, ये वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया हमारा, दोनों के बीच की सेपरेशन 16 cm दे दी, वही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी कहाँ पर आएगी। वैल्यू इजी करने के लिए मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, हमारा आंसर सही आ जाएगा। जैसे 16/3 आंसर आया था ना, 15/3 आ जाएगा, यानी 5 पे हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी कहाँ पर आएगी, x = नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जांपल की कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल को जिनके मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है, उनको अगर किसी स्ट्रिंग से लटका दिया जाए, जैसे दो चार्ज पार्टिकल के बोल है उनको लटका दिया जाएगा, तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, बट एक स्ट्रिंग से वह लटके हुए हैं, तो क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल यहाँ पर जाकर रेस्ट कंडीशन पे आ जाएंगे, एक इस टाइप की शेप बना लेंगे, इन दोनों स्ट्रिंग भी इक्वल लेंथ की होगी। रफली डायग्राम थोड़े ऐसे ही बनते हैं। सपोज दोनों पे चार्ज Q था, दोनों का मास m था, ये एंगल इसने थीटा बनाया कि थीटा एंगल पे जाके, ये पहले तो बिल्कुल सिंपल इस टाइप से रखे हुए थे, बाद में दोनों ही दोनों जाके यहाँ पे स्टेबल हो गए, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल मूव किया, ये एंगल हमसे पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ कहाँ पे जाकर वह स्टेबल हो जाएंगे, इनकी लेंथ एल दे दी, ये हमें कैलकुलेशन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो खुद देखो कि इनके ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। जैसे इस बॉल का मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना के यहाँ पे देखूँ
तो इसके मास के कारण एक एम जी फोर्स तो इस साइड लगेगा ना, एम जी तो डाउनवर्ड लगेगा। एक दोनों के बीच में डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दोनों का चार्ज है, तो एक रिपल्सिव फोर्स इस साइड लगेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक ऊपर की तरफ स्ट्रिंग बंधी हुई है, स्ट्रिंग भी तो टाइट हो जाएगी ना, इसमें भी तो टेंशन आएगी, टी टेंशन आ गई। ये एंगल हमारा थीटा था, तो हम क्या करेंगे, इस टी टेंशन के दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक इस साइड तोड़ेंगे और एक इस साइड तोड़ेंगे। तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी तो थीटा एंगल होगा ना। और टी टेंशन का बेस का कंपोनेंट क्या होता है, कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा। तो टी साइन थीटा क्योंकि यह एक बैलेंस्ड कंडीशन है, यहां पर जाकर रुक गया, इसका मतलब ये फोर्स इसके बराबर है, ये फोर्स इसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आई है ना हमारी। तो नेट फोर्स जीरो पुट करेंगे, एक्स वाले फोर्स भी टोटल जीरो होंगे और वाई डायरेक्शन के फोर्स भी जीरो होंगे। तो दोनों डायरेक्शन को अगर हम कंपेयर करके देखें, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर होगा फर्स्ट रिजल्ट इसका। सेकंड क्या है, टी कोस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर, सेकंड इक्वेशन। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर लिया हमने, तो टी से टी कैंसल, हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी आर स्क्वायर आ गया। अगर आर गिवन है, जी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एम और क्यू तो स्टार्टिंग में गिवन थे, अगर हमें आर दे रखा है तो हम थीटा निकाल लेंगे, अगर हमें थीटा दे रखा है तो हम इक्वेशन से आर निकाल सकते हैं। तो इस टाइप की भी एक कंडीशन बनती है कि दो चार्ज पार्टिकल एम मास के सेम मास और सेम चार्ज है इनके ऊपर, दोनों को फ्रीली सस्पेंड किया गया, तो दोनों को अगर छोड़ेंगे तो रिपल्सिव फोर्स के कारण एक जगह जाके अरेंज हो जाएंगे, यहाँ पर जाकर स्टेबल हो जाएंगे अपनी कंडीशन के ऊपर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स हमें जीरो कैलकुलेट करना है, जो कि इस टाइप से हमें करना होगा। अगर ये कंडीशन हो तो ये ग्रेविटी नहीं है, फ्री स्पेस में ले जाके दोनों चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ग्रेविटी ही नहीं है, तो इसको रोकने वाली तो एक ग्रेविटी थी ना। अगर ग्रेविटी नहीं है तो ये रिपेल होते होते मैक्स टू मैक्स कहाँ तक रिपेल हो सकते हैं, क्योंकि मास का तो इफेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, जब इसके अंदर जी की वैल्यू जीरो पुट करें तो नीचे वाला फोर्स तो जीरो ही होगा। नीचे वाला फोर्स जीरो होगा तो टी कोस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कब होगी, जब यह परफेक्ट इस टाइप की कंडीशन बना देगा। तो हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, अदरवाइज खुद कॉमन सेंस से भी देखो, अगर ग्रेविटी नहीं है तो मैक्स टू मैक्स रिपेल कहाँ पर हो सकते हैं, जैसे ये कंडीशन थी, रिपेल होने स्टार्ट हुए, मैक्सिमम रिपल्सन हमारी यहाँ पर जाकर हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी यही बन सकती है। तो स्टेबल हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी उस केस के अंदर, यानी इन दोनों के बीच का एंगल हमारा जो नया थीटा होगा, टू थीटा होगा, वह 180 डिग्री होगा। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है इसके अंदर। चलिए आज एक एग्जांपल वो कर ही लेते हैं, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का। जैसे हमारी ये कंडीशन थी ना कि ओरिजिन के ऊपर एक 2 माइक्रोकुलम का चार्ज रख दिया, 15 के ऊपर एक 8 माइक्रोकुलम का चार्ज रख दिया, ये 0.0 पॉइंट और ये पॉइंट हमारा 15.0 है, इसकी 5.0 के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी थी, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस के अलोंग आया था, ये भी हमने फाइंड कर लिया था। अब हमसे पूछ लिया गया इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कि x डिस्टेंस हमने इस P पॉइंट से x डिस्टेंस आगे बढ़ा दिया, और x डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होगी। SHM कब होगा, जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, ये हम डेरिवेशन में भी यहाँ देख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी नई डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 प्लस एक्स आ गई, और ये डिस्टेंस कितनी बच गई, 10 माइनस एक्स बच गई। तो फोर्स आएगा
नेट फोर्स कितना होगा, यहाँ पे तो दोनों फोर्स बराबर थे, डिस्टेंस बढ़ गई तो ये फोर्स घट गया, लेकिन ये तो बढ़ेगा ना डिस्टेंस कम होने के कारण, तो इस फोर्स से ये वैल्यू घटा देंगे तो नेट फोर्स हमारा एफ नेट इस डायरेक्शन का आ जाएगा ना, तो है एफ नेट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एफ नेट हमारा क्या होगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्केयर टेन माइनस एक्स का होल स्केयर, इसमें से घटा देंगे हम के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्केयर फाइव प्लस एक्स का होल स्केयर, ये हमने इसमें से घटा दिया तो नेट फोर्स हमारे पास इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन टफ जरूर चल रही है, हमें अपने लेवल तक मिलेगा ना तो इस टाइप से मिलेगा कि 2 माइक्रो कूलम है तो इस साइड भी 2 माइक्रो कूलम होगा और ये कंडीशन मिडल में बनेगी, तो ये अगर 8 8 होती तो 8 माइनस एक्स 8 प्लस एक्स होती तो इनका एलसीएम लेना भी आसान होता हमारे लिए, बट हमने अगर यही एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग चल के देखते हैं कि 10 माइनस एक्स का होल स्केयर और 5 प्लस एक्स का होल स्केयर, ये एलसीएम आ गया। इसमें से k इंटू क्यू इंटू टेन रेज टू पावर 6 तो कॉमन ले ही लेते हैं, k इंटू क्यू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 6 ये कॉमन ले लिया हमने, या 2 भी अगर कॉमन लेना चाहो तो यहाँ 4 बचेगा, तो 4 इंटू यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लिया, 4 इंटू 5 प्लस एक्स का होल स्केयर बचा, माइनस का ये तो सारा सिस्टम बाहर ही आ गया तो 10 माइनस एक्स का होल स्केयर बचा। इसको जब आप सॉल्व करोगे और उस केस के अंदर आप ये वैल्यू पुट करोगे कि एक्स वेरी वेरी लेस देन वन है, बहुत ज़्यादा छोटी अगर ये वैल्यू हो तो उस केस में इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के आता है, यानी एफ की वैल्यू आएगी माइनस का कोई भी एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा इंटू एक्स आएगा। जब कोई भी फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और नेगेटिव वैल्यू के साथ हो तो हम कहेंगे कि यह SHM करेगा, और SHM के लिए टाइम पीरियड जो हमारा होता है वो कैलकुलेट करते आए हैं 2 पाई रूट एम बाई के बराबर पुट करते आए हैं, और के क्या होगा, एक्स को छोड़ के जितना भी यहाँ पर कांस्टेंट आएगा वही हमारे के की वैल्यू होगी। तो एक टाइप से इस क्वेश्चन के टाइम पीरियड की हिंट जरूर दे दी गई है, वो आप खुद कैलकुलेट करके यहाँ पर देख लेना। आप अगर घर पर प्रैक्टिस करना चाहो तो ये भी 2 माइक्रो कूलम की वैल्यू रख लेना, और ये जो वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन की 15 की बजाय अगर 16 होता तो 8 पे आएगी। अब 8 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स हमारी वैल्यू हो जाएंगी, वो आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी कंपटीशन के लिए। 5 पे आएगी, और ये चार्ज कहाँ रखा गया है, एक्स इज इक्वल टू 15.0 पे रखा गया है। 5.0 पे हमारी इस ये ओ है, ये ए पॉइंट मानो, तो ये सी पॉइंट के ऊपर हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हमसे ये पूछ लिया जाएगा किस एक्सिस के अलोंग यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है और किसके अलोंग यह है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इतना तो हम भी जानते हैं कि यह इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अब स्टेबल अनस्टेबल की बात आएगी। जैसे यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा था, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, यानी मैं यहां पर लेके जाऊं, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस एक्स हो जाएगी ना, और इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस एक्स हो जाएगी, यानी ये डिस्टेंस एक्स अमाउंट से घट जाएगी, ये डिस्टेंस एक्स अमाउंट से बढ़ जाएगी, तो इसका फोर्स कम लगेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे ना। जैसे अलग ही डायग्राम बना लेते हैं कि यहाँ पे तो 2 माइक्रो कूलम है और 5 की बजाय 5 प्लस एक्स पे हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया, और यहाँ पे 15 पे 8 माइक्रो कूलम चार्ज। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आगे लेके जाता हूँ तो यह फोर्स हमारा कम हो जाएगा और ये फोर्स बढ़ जाएगा, यानी इस फोर्स की वैल्यू घटेगी और इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ेगी तो यह ज़्यादा रिपेल करेगा और यह कम रिपेल करेगा, तो ओवरऑल पोजीशन ओवरऑल डायरेक्शन हमारी फोर्स की ही आएगी ना, क्योंकि इस कंडीशन पे तो दोनों फोर्स बराबर थे। यहाँ ये जितना फोर्स इस साइड लगा रहा था उतना ही ये फोर्स इस साइड लगा रहा था,
दोनों इक्वल एंड अपोजिट कट गए, फोर्स यहीं पे पड़ा रहा। अब हमने थोड़ा सा आगे कर दिया तो ये फोर्स बढ़ गया, यानी यह जो नया फोर्स है वह एफ एट कूलम वाला यानी ए पॉइंट वाला फोर्स है वह बढ़ गया, और एफ जो ओ पॉइंट वाला फोर्स है नया फोर्स वह घट गया। तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट होगा, यानी अगर हमारे मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स मिले तो ये क्या करेगा, वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो अपनी ही पोजीशन की तरफ अगर वापस आ रहा है, जैसे हमने ये किया था एग्जांपल, इसको थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया, अब क्या करेगा यह अपनी ही पोजीशन की तरफ वापस आ रहा है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो इस केस के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ी सी मोमेंट दो दो है वापस अपनी तरफ आएगा। सेम टू सेम अगर मैं इस साइड खिसकाता तो नेट फोर्स रिपल्सिव फोर्स इस साइड का ज़्यादा होता तो वह वापस इस साइड धकेल देता कि तुम भी इसी पे ही जाके चुपचाप बैठा रहे, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ अगर वापस फोर्स लगे तो वह हमारी कौन सी कंडीशन होगी, स्टेबल वाली कंडीशन होगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यह चार्ज पार्टिकल अगर आगे भेजने के बजाय मैं ऊपर की तरफ भेजता थोड़ा सा वाई एक्सिस में यहां रख देता एक्स ऊपर, तो ये डिस्टेंस होती और ये डिस्टेंस होती। अब हमारी नई कंडीशन क्या बन जाती, ये बनती ना, ये ओ है और ये ए पॉइंट है, तो यहां पे जो फोर्स होगा इस पॉइंट पे, सपोज यह पी पॉइंट है, ये रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन का होगा, ये रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन का होगा। इसके दो कंपोनेंट तोड़े जाएंगे, इसके भी दो कंपोनेंट तोड़े जाएंगे, तो ये तो इससे हो सकता है कैंसिल हो जाए, बट ये कंपोनेंट तो ऐड होता जा रहा है ना। यानी अगर मैंने चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठाकर ऊपर की तरफ रख दिया तो इसके ऊपर नेट फोर्स का कंपोनेंट जो ऊपर वाला था वह इक्वल एंड अपोजिट नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस के अंदर इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा। यानी इसको अगर उठा के थोड़ा सा भी मैं ऊपर रख दूं तो रिपल्सिव फोर्स के कारण हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा। तो यानी वाई एक्सिस के अलोंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये दो बातें आपको एक्स्ट्रा और ध्यान में रखनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक्स एक्सिस में अगर हमने थोड़ी सी मोमेंट दी तो इसके ऊपर दोनों साइड से अपोजिट फोर्स लग रहे थे, जिसकी साइड जाएगा उसने ज़्यादा फोर्स से धकेला तो वह वापस आ जाएगा। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वह अपनी ओरिजिनल पोजिशन की तरफ आ रहा है, और इसको अगर ऊपर की तरफ किया तो ओरिजिनल पोजिशन से और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन जा रहा है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली बात थी वाई एक्सिस के ऊपर, न्यूट्रल का तो सवाल ही नहीं उठता, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो दोनों साइड से ही एक्ट हो रही है, जिस डायरेक्शन में हमने मोमेंट दी उस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो ही रहे थे। तो आपको अगर थ्री लाइन थ्री पॉइंट चार्ज सिस्टम दे दिया जाए उस कंडीशन में कैलकुलेशन करनी हो तो एक तो बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि अगर लाइक चार्ज हुए तो इन बिटवीन सर्वाइव लाई करेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर अनलाइक चार्ज हुए तो छोटे वाले चार्ज के साइड लाई करेगी। जब बात स्टेबल अनस्टेबल की आएगी तो हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उसे देख लेंगे। अगर थोड़ा जेई एडवांस के लेवल पे जाए तो इसके अंदर क्या होगा, टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया या वापस आएगा तो एसएचएम करेगा अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमें दे ही रखा है, एसएचएम का जो होगा एक्स दे रखा है एम्पलीट्यूड, और हमसे टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाएगा। खैर वो एक हायर लेवल की स्टडी हो जाती है, कोई अगर इंटरेस्टेड है तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी बुक्स में भी मिल सकते हैं। सेकेंड हमें यह कह दिया जाएगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस होता है जेड ई, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक आर रेडियस पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा।
टाइम पीरियड तो हमने इसमें भी पूछ लिया, वहाँ SHM का टाइम पीरियड था, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी थी हमारी। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें हम सर्कुलर मोशन का एक 11th क्लास में चैप्टर भी पढ़ के आ चुके हैं कि उसके ऊपर नेट अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर हम mv² r के बराबर पुट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड भी आ जाएगा, और केमिस्ट्री में हम निकाल भी चुके हैं टाइम पीरियड इसका, इसकी वेलोसिटी इस सेल में होगा तो किस वेलोसिटी से घूमेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर था। हमारे भी सेकंड पार्ट में आएगा, 12th की सेकंड NCERT में गिवन है ये चैप्टर सेम टू सेम। तो चलिए सबसे पहले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा इनके बीच का फोर्स। फोर्स होता है कि ZE × EE², इसका चार्ज ZE है, इसका चार्ज E है, तो E² दोनों अपोजिट चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स है यानी अंदर की तरफ फोर्स है, डिवाइडेड बाई R². यह फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, mv² / r के बराबर होना चाहिए। एक आर से एक आर कैंसिल, तो वी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, के जेड ई स्केयर डिवाइडेड बाई mr आ गई। तो v की वैल्यू कितनी होगी, के जेड ई स्केयर डिवाइडेड बाई mr होगी। तो ये तो हमारी वेलोसिटी आ गई। टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr डिवाइडेड बाई v, क्योंकि इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी उसको वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करके देखते हैं तो 2πr डिवाइडेड बाई करेंगे तो mr ऊपर चला जाएगा, kZe² नीचे आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें टाइम पीरियड की भी कैलकुलेशन की पूछी जा सकती है। कई बार क्या होगा, जैसे अपने थ्योरी नोट्स के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल ये है कि एक सर्कल के अंदर यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया गया और कह दिया गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तीन चार्ज पार्टिकल है इक्वल चार्ज Q और Q, और इसके सेंटर के ऊपर एक कैपिटल Q चार्ज रख दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। अब पूछ लिया कि टाइम पीरियड बताओ क्या होगा या वेलोसिटी बताओ क्या होगा, तो इसके ऊपर एक तो ये फोर्स लगेगा, इसके कारण ये फोर्स लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों पॉजिटिव है ना, तो ऊपर की तरफ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। जैसे ये F है, ये F है, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो दोनों F हो जाएंगे। ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा, दो फोर्स के बीच अगर 60 डिग्री का एंगल हो तो रिजल्टेंट फोर्स इसका ऊपर की तरफ, मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल 30-30 पे ऊपर की तरफ चला जाएगा ना। तो उससे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा √3f आएगा, √3f इसकी वैल्यू आ जाएगी, और अंदर की तरफ ये नेगेटिव चार्ज होगा तो एक फोर्स इस साइड आएगा, F' आ जाएगा, वह k कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइडेड बाई इसकी जो डिस्टेंस है R² मान ली हमने, ये डिस्टेंस अलग होगी। अब नेट फोर्स अंदर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, F' माइनस √3f लग रहा है ना, यह फोर्स हम किसके बराबर पुट करेंगे, mv² / r के बराबर पुट करेंगे। किसी भी पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स अगर हम इसके बराबर पुट करेंगे तभी हमारी कैलकुलेशन होगी। तो अंदर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ √3f लग रहा है, तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट करके आगे चलेंगे। तो इस टाइप से कैलकुलेशन करनी होगी हमें।